नमस्ते दोस्तों, गीता की रसोई एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और सभी को राम राम और सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बना रही हूँ ये कढ़ी। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो पे रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो मैं कढ़ी बना रही हूँ पकौड़ी वाली। आप लोगों को कैसे लगती है प्लीज़ बताइएगा, किस किस को कढ़ी पसंद है ये भी बताइएगा। तो दही वाली कढ़ी है और पकौड़ी डाल के जो बनाते हैं, तो मैंने वही बनाया है। और वीडियो देखकर कमेंट अच्छा अच्छा कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से कुछ नहीं होता है, बस आपके एक लाइक देने से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। तो बस वही है। और इधर पकौड़ी जो है ना गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, तो मैंने उनको निकाल लिया। अब मैं इसी तरीके से दूसरी पकौड़ी मतलब डाल दी हूँ उसमें पकने। इधर मैं बेसन को घोल लेती हूँ, बेसन को लिया और ये आप लोग देख सकते हैं दही है, तो ये मैंने दही ली है और दही से अच्छे से बेसन को मैं फेंटूँगी। तो जितना अच्छे से बेसन फेंट लेंगे ना कढ़ी, उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो मैं इसको इस तरीके से फेंट लेती हूँ हाथ से। तो जितना ज़्यादा मतलब फेंटेंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनता है कढ़ी। पूरा कढ़ी का जो स्वाद है ना फेंटने में भी आता है, कुछ लोग ऐसे घोल के डाल देते हैं। तो हम जो है ना कढ़ी को अच्छे से मतलब बेसन को फेंट लेंगे। और उधर हमारी पकौड़ी बन रही थी, तो पकौड़ी बन गई है और अब मैं मतलब कढ़ी में तड़का लगा देते हैं। तो तड़का लगाने का तरीका मेरा आप लोग बताइएगा कैसा लगता है और आप लोग कैसे लगाते हो। तो ये मैंने साबुत चार मिर्ची ली हुई है और जीरा लिया हुआ है तड़का लगाने के लिए। तो हमारा तड़का लगाने का तरीका और आप लोग किस तरीके से लगाते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो जीरा और मिर्च मैंने डाल दी है तड़का लगाने के लिए, आप लोग नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन मिर्च का तड़का जो है ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बदल देता है एकदम से। तो अब मैं डाल देती हूँ एक चम्मच के करीब हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और डाल दी हूँ, क्योंकि कढ़ी में थोड़ा कम लगेगा। और इस तरीके से मैंने मतलब मसाले को तेल में डाल दिया है और मुल लिया है। और अब मैं ले रही हूँ ये हींग। तो हींग ये मतलब बटी हुई नहीं है, ये मतलब अच्छी वाली हींग है। तो ये कुछ टुकड़ा मैंने मतलब थोड़ा सा लिया था, ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी हींग है। तो इसको मैं तेल में अच्छे से भून लूँगी। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, और ये बाद में जब बेसन डालेंगे उसके साथ पूरा मिक्स हो जाएगी और अच्छे से बढ़िया खुशबू आती है। बेसन जो मैंने फेंटा था उसको डाल दिया है और बेसन डाल के मैं चला देती हूँ अच्छे से कढ़ी को। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके मेरा मतलब ये कढ़ी बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब मैं और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि कढ़ी जो है ना गाढ़ी ना रहे, अच्छी रहे। तो पानी डाल के मैं इसको चला दूँगी, अच्छे से चलाती रहूँगी ताकि कढ़ी जो है ना नीचे ना लगे। इसको घुमाते रहेंगे, नीचे भी लग जाती है और फिना के ऊपर भी आ जाती है, तो इसलिए इसको चलाते रहेंगे। तो अभी इस तरीके की हो गई है, थोड़ा सा उबाल आने लग गया था, तो उसमें मैंने डाल दिया था लाल मिर्च और थोड़ा सा मतलब नमक मिक्स था इसमें, मिर्च मसाला था तो डाल दिया है ताकि थोड़ा तीखा हो जाएगा और नमक भी हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, कंटिन्यू वीडियो देखिए। तो आप लोग देख लीजिए कढ़ी हमारी बन रही है और कढ़ी इसको मैं अच्छे से पकने तक इंतज़ार करेंगे। गैस को मैंने फुल किया है क्योंकि ये खोल के कहीं निकल ना जाए, इसलिए मैंने इसको फुल किया है और देख रही हूँ हमारा कढ़ी बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, पसीना देख रहे हैं एकदम, तो चिकना चिकना हो रहा है चेहरा, तो बहुत तेज़ से गर्मी लग रही है। तो किसके किसके यहाँ पे गर्मी है कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस टाइम मैं किचन में ही हूँ, तो मैंने सोचा चलो कुछ तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं नहीं बना रही थी वीडियो। और तो मैं मतलब देख रही हूँ निकल रहा है, ऊपर आ रहा है वो भाई लोकेशन से। तो इधर मैं
कुकर में चावल रख दी हूँ और ढक्कन को बंद कर दी हूँ। कड़ी में उबाल आ रही है, आप लोग देख लीजिए एकदम उखड़ाने लग गई है। तो बहुत गर्मी है, एक तरफ ये कुकर में चावल है और दूसरी तरफ कड़ी चला रखी है मैंने। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है तो मिक्सी पहना है मैंने। वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू और फुल देखिएगा। अगर कड़ी में अच्छे से उबाल आ गई थी, पक गया था, तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें पकौड़ी। तो पकौड़ी डाल के भी मैं इसको कम से कम आधा घंटा तक पकाऊंगी धीमी धीमी आंच में। और पकौड़ी डालने से कढ़ाई जो है ना पूरी एकदम अच्छे से भर गई है, पूरा उकनाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो इधर मैंने दूसरी कटोरी में निकाल दी थी, तो जब पक जाएगी तो मैं डाल दूंगी उसको कड़ी को। तो इधर पक गई थी तो मैंने दोबारा डाल दिया था। तो आप लोग देख लीजिए कड़ी एकदम बन के तैयार है, बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब मैं खाने के लिए खाना निकालती हूँ। तो चावल भी एकदम रेडी है, तो कड़ी चावल आप लोग भी खा लीजिए। वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।